तो ये राम में ऊपर कॉमा लग के हमारा एस लग जाएगा राम्स हाउस सीताज पेन सीता की पेन सीता एक लड़की है सिंगलर सीताज पेन अमित बैग अमित सिंगल बॉय अमित बैग रीनाज बुक इसमें हम लोग सिंपल एक कॉमा लगा के एस लिख देते हैं दैट इज द सिंगलर नाउन्स में हम लोग एपोस्ट्रोफीएस इस तरह से यूज करते हैं नॉउ द प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस वो प्लूरल नाउन्स जो हमारे एस से एंड होते हैं मीन्स वॉट अगर ये फ्रेंड रहता तो हम लोग इस तरह से लिख देते फ्रेंड लिख के कॉमा लगा के एस लिखते फ्रेंड्स पेन और फ्रेंड्स पार्टी बट दिस फ्रेंड्स मीन्स मेनी फ्रेंड्स सो दैट्स वे दे आर द प्लूरल नाउन्स मेनी फ्रेंड्स हैं ये सो वॉट विल आई डू मेनी फ्रेंड्स का फ्रेंड्स लिखेंगे इसके बाद एक कॉमा लगा देंगे Here we used to put comma first, then s because these are the single nouns. In the plural nouns, we are writing the plural noun friends and putting a comma outside that. Friends party. It means the party of your friends, many friends. Friends party. Same like that. See, parents permission. Parents means both the parents, both mother and father. So, what will I do? I will write parents, put a comma here. पेरेंट्स परमिशन मीन्स द परमीशन ऑफ बोथ फादर एंड मदर सिंगल पेरेंट होता तो ये ऐसा नहीं होता ये कॉमा यहां होता मतलब पेरेंट्स परमिशन मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट की परमिशन होती तो ये कॉमा में यहां लगा देती लेकिन दोनों पेरेंट्स हैं परमिशन ऑफ बोथ फादर एंड मदर सो आई एम राइटिंग पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा कॉमा विल बी आउटसाइड दैट पेरेंट्स परमिशन ओके नाउ द प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस वो प्लूरल नाउन जो प्लूरल भी है लेकिन एस उनके नहीं आता है जैसे चिल्ड्रेन चाइल्ड child होता तो मैं क्या लिखती चाइल्ड इस तरह से मैं चाइल्ड लिखती यहाँ पे चिल्ड्रेन है मीन्स मेनी चिल्ड्रेन सो आई विल पुट अ कॉमा एंड एस टॉय द मेन्स टॉयलेट मीन्स बहुत सारे लोग सारे लोगों का मेन्स trial room like that people's arrangement means sare logon ke liye jo arrangement ki gayi hai this is plural people's arrangements so that is the plural nouns not ending in s jinka end hamara plural bhi hai but s se end nahi ho raha hai jaise ye hamare plural the friends तो इनका ending हमारा s था तो इसमें और एक s हम लोगों ने नहीं लगाया Just we put a comma outside that. But here These are plural, but not ending with s. So I am writing children's toy, right? Now see. Next we have singular nou nouns ending in s. Singular actress means one actress. तो ये end भी s से ही हो रहा है. तो confusion रहता है कभी-कभी s तो already है. s लगाना है कि नहीं लगाना है. So yes, we will put comma and s. for the actress's role the class's teacher class key teacher means the teacher of the class class singular nouns class's teacher my boss's office my boss's office the office of my boss i'm putting a comma and then s my boss's office the princess's dress the dress of the princess there is a single princess single boss single class द प्रिंसेस ड्रेस राइट नाउ अगर दो और ज्यादा लोग हों जैसे अमित एंड राज इन दोनों की बुक अमित एंड राजूज बुक यहां पर हम अमित बुक एंड राजूज बुक नहीं लिख रही हूं मैं क्या लिख रही हूं अमित एंड राजूज बुक इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बुक है दोनों की दे आर द ओनर्स ऑफ द सेम सिंगल बुक एक ही बुक के जब दोनों ओनर रहेंगे तो मैं अमित एंड राजूज नहीं लिखूंगी अमित एंड राजूज बुक राइट सी हियर सीता एंड राहुल कार मीन्स देर इज अ सिंगल कार एंड बोथ आर द ओनर्स ऑफ द सिंगल कार ओनर्स ऑफ द सेम कार दो गाड़ियां नहीं है यहां पर एक ही गाड़ी है जो सीता की भी है राहुल की भी है सो वॉट विल से सीता एंड राहुल कार मैं राहुल में लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस डाल दूंगी इससे पता चल जाएगा कि दोनों की एक ही कार है दोनों की कार सो so ये हमारे दो लोगों की एक पोजिशन कोई गुड्स पे होती है कोई चीज पे होती है किसी नाउन पे होती है सो वी आर राइटिंग लाइक दैट अब अगर दोनों की दो अलग अलग चीजें जैसे राजूज एंड सुमित्स पेन मीन्स राजू की और सुमित की दोनों की पेन मतलब इसकी पेन अलग है इसकी पेन अलग है मैं दोनों की पेन के बारे में बात कर रही हूं जैसे मुझे बोलना है राजूज एंड सुमित्स पेन दोनों की पेन अगर रेड है तो मैं अलग अलग एपोस्ट्रोफियस लगाऊंगी दे आर द टू ओनर्स ऑफ द टू डिफरेंट पेन्स द पेन इज नॉट सिंगल अगर ये सिंगल होती तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ सुमित में लगता है राजू एंड सुमित But I am writing Raju's and Sumit's pen, means two owners of the two different pens. Same like that, Pinky's and Chinky's dress, means there are two dresses, two different dresses, and the two dresses belong to two girls, Pinky and Chinky. So I am writing Pinky's and Chinky's dress. Right? See here, no noun after apostrophe S. मीन्स टू अवॉइड द रिपीटिशन एंड वेन द मीनिंग इज क्लियर एट दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग नाउन्स आफ्टर द एपोस्ट्रोफी एस मीन्स यू सी इफ सामडी आस्क मी हु दिस वॉट विल आई सी इट इज अमिट्स इतना बोलने से ही मेरा काम हो जाएगा वापिस से इट इज अमि बुक ये बुक नाउन लगाने की मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नो नाउन आफ्टर एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रॉफी एस के बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं है मीन्स कोई मुझसे पूछे हुज बुक इज दिस माई आंसर विल बी इट इज अमि ड्रेस इज दिस इट इज राहुल्स इसके बाद एपोस्ट्रॉफी सॉरी राहुल्स बुक या राहुल्स ड्रेस ये बोलने की जरूरत नहीं है द मीनिंग इज क्लियर ये अंडरस्टूड है इट इज राहुल्स मींस इट इज राहुल्स ड्रेस सो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और उसके बाद नाउन को फिर से रिपीट नहीं करते हैं राइट right? Thank you for watching and listening. Uh, please share and subscribe my video and wait for my next video. Thank you.